ये है, ये यार इसको मैंने कितना खाया, तू कम खाया कर, कम खाया कर, फिर भी इसको शर्म नहीं आती। ये 2022 या सेल्फ रिस्पेक्ट होता है अपना, आप ऐसे कैसे डाउन कर सकते हो? तुम मेरे को इतना गलत कैसे बोल रही हो, ये बताओ कि ये होती कौन है, मैं इसकी बहन होती हूँ, तू कौन होती है ये बता पहले तू। आप लोग आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हो। गाइस आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ चेतना से, जो मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त है, और आपको मैं बता दूँ आज हम लोग मिलके करने वाले हैं दोनों एक सोशल एक्सपेरिमेंट, जिसके रिएक्शन कैसे आने वाले हैं। चेतना हाय कर दो ना। हाय। हम सोशल एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि नहीं बता नहीं रही, आप एक काम करो चल कर देखो, फिर एंड में हम लोग आपसे मिलते हैं। अबे चल यार, तुझसे तो मैं ना परेशान हो गई हूँ यार, तू है कौन तू? मतलब तूने मेरे को तो समझ में ना आता, तूने दुनिया में ना कदम ही क्यों रखा, सच में तू पैदा ही क्यों हुई? तेरे को तो पैदा होते ही मार देना चाहिए था, तू लायक नहीं है, तेरे जैसे ना मोटे इंसान ना दुनिया में जीने लायक नहीं है। और तूने कभी अपने आप की शक्ल देखी है क्या, कैसी लगती है तू? मैं क्या करूं, मेरे अगर है बॉडी ऐसी तो मैं बचपन से। अरे तू मर जा, जाके तेरे को मर जाना चाहिए, तू तू इस दुनिया में जीने लायक नहीं है, तू है ही नहीं। अब तू कभी कभी अपने आप को देख, तू अपने आप को देख, तू कैसी लगती है? आपको क्या करना है पहले तो ये बताओ, सिस्टर हो, बहन हो, चाहे फ्रेंड हो, आप होते कौन हो बीच में इंटरफेयर करने वाले? कोई नहीं होती हूं, बट आप अगर इनकी सिस्टर हो तो आप एटलीस्ट ऐसे तो बात मत करो यार। आपको इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मेरी बहन है, मेरी दोस्त है, कुछ भी है, मैं अपने आप देख लूंगी उससे कैसे बात करनी है। तुम बीच में इंटरफेयर मत करो, ठीक है? ये ना लायक नहीं है इस दुनिया में रहने के, मैं तुम्हें बता दूं यार, तुम जैसे और मुझ जैसे लोग इस दुनिया में रहने लायक है, क्योंकि हम लोग पतले हैं, हम पे सारे कपड़े सूट करते हैं, इनको कौन देखता है? और देखो यार इनकी शादी में भी इतनी दिक्कत होती है, ये यार इसको मैंने कितना खाया, तू कम खाया कर, फिर भी इसको शर्म नहीं आती। 2022 है ना, तो आपकी सोच कहाँ इतनी पीछे कैसे चली गई? मतलब हमें अब सोचना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग सोचना चाहिए कि आपकी सिस्टर है तो आपको इसको मोटिवेशन करना चाहिए, ये नहीं कि आपको इसको वीक। अरे मोटिवेशन क्या, हमारे घर में जितना राशन आता है सब तो ये खा जाती है, मम्मी मेरी इससे इतना परेशान है, पूरे घर वाले इससे परेशान इतना है, तुम थोड़ा दोगे हमारे घर में आके राशन? नो, मैं नहीं दूंगी, बट आपको समझना चाहिए, आप इसको अच्छे से कर सकते हो, अच्छे से प्रिटेंड समझा सकते हो। अरे तुम मेरी बात सुनो, घर में कितनी प्रॉब्लम्स है इसके वजह से, ठीक है ना, इसको जीने का कोई अधिकार नहीं है, सीधी सी बात है, ये इतनी फैटी है, ठीक है, इसको इतनी मतलब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, कोई इसको कोई प्रपोज नहीं करता, कोई लड़का नहीं आता, ना कोई इसका बॉयफ्रेंड बनना चाहता, ना कोई शादी के लिए इसके लिए आता, जितने रिश्ते हो रिजेक्ट, मेरे माँ बाप इसकी वजह से ना सिर्फ टेंशन में रहते हैं, मेरे माँ बाप कुछ गलत कदम उठा देंगे सिर्फ इसकी वजह से, ये घर में है क्यों? मैं इतना फ्रस्ट्रेट हूँ ना, ये क्यों जी क्यों रही है? इतनी हंसी आ रही है ना, मतलब आप इतनी घटिया कैसे सोच सकती हो, मतलब अपनी बहन के लिए यार, एक एक बहन होती है अपनी छोटी बहनों को इतना अच्छे से रखती हैं, बट आपको शर्म आ रही है मुझे आपको ये मतलब ये सोचकर कि आप इसकी बहन हो। तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है? आप घटिया, ये घटिया नहीं है, घटिया आप हो, क्योंकि ये दिल से अंदर से खूबसूरत है, जरूरी नहीं ऊपर से खूबसूरत होना। पर यार तुम खुद देखो ना, इसकी वजह से हम कितना कुछ सफर कर रहे हैं यार, सफर मेरी मम्मी इतना टेंशन में रहती है, ट्रेवल हर कोई करता है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को नीचा दिखा के करेंगे हम। अरे तू जीने लायक नहीं है ना, मैं तुम्हें बता तो रही हूँ, कॉलेज कैसे बोल सकते हो मैं जीने लायक नहीं हूँ? यार तूने कभी अपने आप को देखा है क्या? देखा है क्या पहले से ऐसे? तो तेरे को मैंने क्यों, तेरे को मैं हमेशा बोलती थी ना कम खा, तूने क्यों इतना ज्यादा खाया? तूने अपने अपना वजन अपना वेट इतना गेन कर लिया, तेरे को कोई देखना नहीं चाहता आज की डेट में, और तेरी वजह से मेरे माँ बाप घर में परेशान रहते हैं, तू लायक नहीं है। बोलिए यार इनके लिए प्लीज, प्लीज मत बोलिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आप अगर इनकी जगह होती तो आप क्या करती, आप अगर ऐसी होती तो आपको, अरे मैं तो जाके मर जाती चुल्लू भर पानी में। बस रहने दीजिए, ये सब बोलने की बात है, ठीक है, इनको हर्ट हो रहा है, इनको पता चल रहा है, ये अब मतलब आप जैसे भी हो अपनी जगह परफेक्ट हो, ठीक है, आप खराब नहीं हो ना कैसे भी हो, ऐसे किसी के कहने पे आपको सुनने की जरूरत ही नहीं है, आप आई एम द बेस्ट बोलो अपने आप को, दैट्स इट। ये होती कौन है यार, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है अपना, आप ऐसे कैसे डाउन कर सकते हो? तुम मेरे को इतना गलत कैसे बोल रही हो, ये बताओ मैं कि ये होती कौन है, मैं इसकी बहन होती हूँ, तू कौन होती है ये बता पहले तू, तू कौन हो? अच्छा तुम्हें, मैं एक इंसान हूं, तू इंसान है, अच्छा मैं हैवान हूं, मैं जानवर हूं क्या? बिल्कुल, आप हैवान वाला काम कर रही हो, अभी अपनी बहन के साथ कर रहे हो यार, मुझे हैरानी हो रही है आप कैसे कैसे। अच्छा ये ना तुम बोलने में सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जिस पे फील होती है ना बीतती है उसी को पता होता है, अगर तू इसकी बहन होती ना तो तुझे पता चलता है कि तेरे माँ बाप कितनी टेंशन में रहते हैं इसकी शादी को लेकर। मेरा भाई भी काला है, ब्लैक है, मोटा है, तो क्या मैं उसको नीचा दिखाऊं यार? प्लीज सोच को चेंज करो यार, एटलीस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इतने प्यार से बोल रही हूँ, और आप अपनी बहन से इतनी बदतमीजी से बात करो, बेचारी बिल्कुल। अरे तुम्हें नहीं पता ये ना, मैं कह रही हूँ जीने लायक ही नहीं है, आप ऐसे नहीं बोल सकते हो, ठीक है, मेरे को हाथ मत लगा सबसे पहले चीज, ठीक है, मैं ये देखो समझा रही हूँ, ये जब जिस पे बीती है ना वही समझ सकता है, तुझे इतना है ना, तो एक काम कर तू इसको अडॉप्ट कर ले, रह ले इसके साथ।
मैं तो कह तो रही हूँ, मैं तो चुल्लू भर पानी में मर जाती अगर मैं इतनी मोटी होती तो। तुम तो दुनिया में शर्म नहीं अपनी बहन को ऐसे बोल रही हो तुम? बिल्कुल। अरे तू नहीं है ना बहन होने लायक, तुझे कोई कितना समझाया फिर भी तूने इतना खाया, तूने अपना वेट इतना गेन कर लिया, तेरी वजह से तेरी शादी नहीं हो रही, घर में कितना परेशानी हो रही है पता तुझे? और अब बता इस फैटी इस मोटी के लिए अब हमें इतना दहेज भी देना पड़ेगा? इतनी तो दिक्कत है तेरे को लेके। आप कौन होती हो? आप सिस्टर हो ना इनकी? हाँ, तो मेरे माँ बाप तो चिंता में है ना। तो चिंता में है तो क्या हुआ, वो उनकी बेटी ये भी है, आप नहीं हो सिर्फ, वो इनके लिए कर चुके कर लेंगे जैसे भी उन्हें करना होगा। और आप इनकी सुन क्यों रही हो? आप बड़ी बहन है तो इसका मतलब क्या? कुछ भी बोलेंगी यार, हद है यार। तुम एक रैंडम पर्सन हो, रैंडम की तरह ही रहो। हाँ, ठीक है, हमारे घर में गृहस्थी में घुसने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं अजनबी हूँ और मैं इनको एक सलाह दे रही हूँ और आपको भी एक सलाह दे रही हूँ कि आप प्लीज इतना। अच्छी बात है ना, इतनी कोई दुनिया में चलती नहीं है, जो फैक्ट होता है ना वो फैक्ट ही रहता है। मुझे तो पता ही नहीं, समझी? ओके मैडम, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज आप अपनी बहन को समझो और इनको अच्छे से प्यार से ट्रीट करो। ये नहीं कि आप कहीं भी इनकी बेइज्जती कर रहे हो, ऐसे थोड़ी ना होता है। रहने दो, तुम अपना काम करो और चल तू घर चल, तेरे को तो मैं बताती हूँ। चल चल। अरे क्या हो गया, आप ऐसे कैसे थोड़े प्यार से? हाँ ठीक है, फिर एक बात तुम्हें मैं बता दूँ कि यार तुमसे मिलके ना सच में बहुत अच्छा लगा। हम लोग एक सोशल एक्सपेरिमेंट शूट कर रहे थे, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी इसको हर्ट करने की, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और ना ही मेरी बिल्कुल भी ऐसी सोच है जो मैंने बोला, उसके अपोजिट जाके मेरे को बोलना पड़ा। ओके, ओके। सिर्फ आपके रिएक्शन के लिए कि आपके क्या रिएक्शन होंगे कि अगर कोई मतलब लड़की फैटी है और वो इतना डीमोटिवेट, मतलब मोटिवेशन देना चाहिए यार। और वैसे भी यार अंदर से इंसान को कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो मोटा पतला इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सॉरी सॉरी, कोई प्रॉब्लम आपको बोल रही हूं। नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को अच्छा लगा कि आपने स्टैंड लिया सीरियसली। आप एक रैंडम पर्सन के लिए इतना स्टैंड ले रहे हो, सोचो अगर आपके घर में अगर ऐसा कोई होता तो आप कितना सपोर्ट करते। सीरियसली हैट्स ऑफ, नाइस मीटिंग यू। और से हाय टू माय कैमरा वहाँ पे है। तो आई होप गाइस ये सोशल एक्सपेरिमेंट आपको पसंद आया होगा और बहुत अच्छी लड़की है सच में, इसकी सोच बहुत ही अच्छी है। इसने तो लगा लो कि बिल्कुल सॉरी, इससे ये पता चलता है कि लड़की लड़की के लिए स्टैंड लेती है तो। और ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि हम लोग कितना हेल्दी है क्या है, मैटर करता है इंसान अंदर से खूबसूरत होना चाहिए, राइट? हाँ, नाइस मीटिंग यार, अपलोड कर दूँ यूट्यूब पे। चलो बाय, टेक केयर। सो गाइस आपने वीडियो में तो देख ली होगी और वीडियो में देखा होगा रैंडमली एक लड़की आके कितना ज़्यादा फाइट करने लगी मुझसे। मतलब मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि मतलब देखो यार, आज के टाइम में भी मतलब लड़की लड़की के लिए स्टैंड लेती है, चाहे वो फैटी हो, लड़की पतली हो, मोटी हो, क्या फ़र्क पड़ता है उससे यार। दिल हमारा बहुत मतलब अच्छा होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए। तो इसी एक्सपेरिमेंट से हम लोगों को ये चीज़ सीखने को मिलती है। तो आप कभी तो ज़िंदगी में डीमोटिवेट तो नहीं होगे ना? नहीं नहीं, पक्का हमेशा पॉजिटिव रहोगे ना? और लोग चाहे कुछ भी बोले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, अंदर से पता होना चाहिए कि हम परफेक्ट है, हमें इतना पता है। ठीक है, बाकी बहुत मजा आया इनके साथ एक्सपेरिमेंट शूट करके। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके बेस्ट पार्ट बता देना। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे प्रोफाइल चल रहा होगा, जल्दी जाओ। आइडियाज़ हो कैसे सोशल एक्सपेरिमेंट्स प्रैंक्स वीडियोस आप देखना चाहते हो वैसे बनाने की कोशिश करेंगे। लव यू ऑल, अच्छी अच्छी वीडियोज़ आती रहेगी, शेयर करके जरूर जाना। लव यू।